खुश हूँ इतने तरह के लोग आए हैं फिल्म देखने के लिए। सब भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग है। जिस तरह का रिस्पांस है एज ए टीम, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, बहुत अच्छी फीलिंग है। नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है। उससे भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग है कि मुझे मुसलमान लोग मिल रहे हैं, हिंदू लोग मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर आपने क्या फिल्म बनाई है। इस तरह की फिल्म देख के जोश आ जाता है, ये काफ़ी है हमारे लिए। सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि हमारी फिल्म में लोग एक्शन के हर सीन में तो ताली मार ही रहे हैं, पर जो मैसेज हम देना चाह रहे थे उस मैसेज रिलेटेड कोई भी मोमेंट आता है और पूरा क्राउड एक साथ चिल्लाने लगता है, अंदर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। कल फन रिपब्लिक थिएटर में मैं गया था, वहाँ पे लोग भारत माता की जय चिल्ला रहे हैं। तो जो यूनिटी का जो मैसेज दिया है फिल्म में, वो यूनिटी का मैसेज इतना अच्छा लोगों ने रिसीव किया है, आई थिंक दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप देख रहे हैं कि जो एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर, और एक्शन पे जितनी तालियाँ पड़ती हैं उतनी यूनिटी के मैसेज पे भी पड़ रही हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट जो हमने सोचा था वैसा रिजल्ट आ रहा है। हाँ, जेडी गैलेक्सी में आने का एक आनंद बहुत है। हर डायलॉग जो हमें लगता है अच्छा है, अगर सीटी बजती है तो बहुत खुशी होती है, लोग चिल्लाते हैं डायलॉग्स पे। जब भी मेरी और बुराक जो विलन है उनकी एंट्री होती है, जिस तरह का शोर मचता है मन बाग बाग हो जाता है। जब आप पहली आई थी जिसने कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतना यूज़ रिस्पॉन्स मिलेगा और कमांडो की इतनी लंबी दूरी? नहीं, मैं खुश हूँ। आप जितने भी यहाँ पे लड़के देख रहे हैं, भारत माता की, सब में जोश है, सब कमांडो हैं यहाँ पे, जितने आए हैं बहुत सही लोग हैं। सो हम एक्सपेक्ट
कर तो रहे थे कि हम बनाएंगे, मगर अब प्रोत्साहन और बढ़ गया। दो दिनों में कलेक्शंस बहुत जमकर हुए हैं, क्या लगता है किस तरह से फिल्म का कलेक्शन आने वाले दिनों में होने वाला है? उम्मीद तो यही करते हैं कि अच्छी है, जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है। सो दर्शक हैं भगवान साहब, जो देंगे हम खुशी से ले लेंगे। बताइए डायरेक्टर साहब। नहीं गाली, एक ये कि ऑडियंस आए, मनोरंजन ले और वापस जाके एक छोटी सी सोच जो हम लोग देना चाहते थे ऑडियंस को, बस उतनी दी है। तो इतना एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग मसालेदार मज़ेदार मूवी है, बट विद एक ह्यूमन टच के साथ। नहीं, अभी उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस तरह से तीन में लोग अभी बोल रहे हैं कि ये चीज़ें पसंद आई हैं, अभी समय है वापस जाके मेहनत करने का और कमांडो चार के साथ लोगों को और इम्प्रेस करने का। बट थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।